अभी राजदान टॉप के नजदीक भी नहीं पहुंचे और पहला लैंडस्लाइड हमें देखने को मिल चुका है यहाँ पे। देखो आप आगे पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। वैसे तो हमने आपको गुलमर्ग का रोड भी दिखाया, गुलमर्ग का व्यू भी दिखाया, पहलगाम का व्यू भी दिखाया, सोनमर्ग का व्यू भी दिखाया, यूसमर्ग का व्यू भी दिखाया, दत्तपथरी का भी व्यू दिखाया और आज बारी आ गई थी कुछ हटके दिखाने की। तो आज हम आए वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक जबरदस्त लोकेशन को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो तो वैसे भी आपको साथ साथ पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हो तो वहाँ भी फॉलो जरूर करें। लाल भाई क्या लेके जा रहे हो? यादवी बक्सा नया चेंज है, रुको मैं ये लाता हूँ, मुझे एक चीज लानी है, इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो निकलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अपने सफर को। आज हमें चेंज साथ ली, हाँ हाँ, इससे पता चल जाएगा कि हम बहुत ही जबरदस्त जगह जाने वाले हैं। ये चेंज हमने पिछली बार निकाली हुई थी तो आज हो सकता है इनकी जरूरत पड़े, तो इसलिए चलो निकलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं विंटेज पार्क जो कि है बांडीपुरा में, और यहां से आपको हम दिखाने वाले हैं बुलुर का बेहद ही खूबसूरत नजारा। ये देखो से निकल रहे हैं, अगर हम वुलर की बात करें तो साउथ एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में शुमार होता है इसका। अभी हम आगे निकलते हैं, ये हमें बहुत आगे तक जाना है तो चलते हैं। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बांडीपुरा से हमें काफी ज्यादा प्यार मिला, क्यों हिलाल भाई? काफी ज्यादा प्यार मिला और उम्मीद है इस साल भी बांडीपुरा का सपोर्ट और प्यार जो है वो बना रहे। अलिम अदब और आप वाला जो फ्रेज है वो परफेक्टली सूट करता है इन पे, क्यों? वो बरकरार रखे, हाँ हाँ वो बरकरार रखे और सपोर्ट जरूर दिखाए। इस व्लॉग में आपको गुरेज के रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए इस व्लॉग को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक जरूर देखना। राजदान पास की तरफ राजदान टॉप जो कि अभी भी ऑलमोस्ट कितना है, अभी 17 किलोमीटर है अभी, तो फिलहाल चल रहे हैं हम, कोई नहीं है इस रोड पे, ना बंदा ना बिल्कुल, अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो आप लैंडस्लाइड हुआ है तो हॉल्ट ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है, भोरे यहाँ पे आधा एक घंटा लगने वाला है। तो ये देखो ये कल का, तो इनका कहना है अथॉरिटीज का कि यहाँ से जो ट्रैक्टर वाले हैं वो पत्थर निकालते हैं जिस वजह से ये स्लाइड्स आ रही है, तभी जो है रोड पूरा अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बिल्कुल जो भी और जो आदमी है ड्राइवर है जो अपना चेहरा छुपा रहा है कर 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 के, आप देखिए जो आदमी को पहचान लिया, ट्रैक्टर पहचान लिया, ये निकाल करके जो भी नहीं है 5 मिनट ट्रैक्टर रात को 5 बजे का बाद में आकर करके जो भी ऐसा एक काम कर रहा है कम से कम फोटो ले लो आप, कम से कम इस चीज से परहेज करें क्योंकि रोड की हालत जो है ऑलरेडी पहले ही खस्ता है, खराब है,
तो ये चीजें ना करें ताकि लोग जो है आराम से ट्रेवल कर पाए। करके शाम से लेकर 5 बजे से लेकर रात तक ये निकाल कर रखता है और पूरे स्लाइड बना देते हैं और जहाँ निकला हुआ पत्र वो नहीं निकालते, पूरे से खोद कर करके निकालते है। तो स्लाइड क्लियर हो चुका है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। जितना जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना उतना बर्फ जो है ज्यादा दिखना स्टार्ट हो गई। हाँ हाँ, रोड तो स्लिपरी होगा। अब हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है, अभी बहुत रिस्की है ट्रैवल करना इस रोड पे। अभी हम आगे जा रहे हैं, इसलिए हम आए ताकि आपको हम पूरा अपडेट दें गुरेज के बारे में कि कब पूरा आप गुरेज तक जा पाओगे। हम देखते हैं कि कहां तक जो है रोड खुला हुआ है। इसी वजह से जो है जींस हमने सुबह ही साथ उठाई, पता था यहाँ से बर्फ जो है काफी ज्यादा मिलने वाली है। अभी देखते हैं अगर कहीं से जरूरत पड़ी। हाँ हाँ, फिर तो पता ही है। वैसे तो हमने आपको गुलमर्ग का रोड भी दिखाया, गुलमर्ग का व्यू भी दिखाया, पहलगाम का व्यू भी दिखाया, सोनमर्ग का व्यू भी दिखाया, यूसमर्ग का व्यू भी दिखाया, दुधपथरी का भी व्यू दिखाया, और आज बारी आ गई थी कुछ हटके दिखाने की। तो आज हम आए कहाँ, गुरेज जाने की। हाँ, कोशिश तो जा रही है ना। हाँ, तो गुरेज ही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये खूबसूरत गुरेज का रोड। अभी हम पहुंचने वाले हैं तरकबल कैंप के पास, जहाँ पे हमें जो है आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, आधार कार्ड दिखाने पड़ते हैं, तब जाके यहाँ पे जो है आगे जाने देते हैं। तो एक अपडेट लेकर हम फिर से आगे हैं। यहाँ से TCB तरकबल पास से आगे एंट्री नहीं है किसी भी सिविलियन को जाने की अभी तक। वैसे तो रोड अभी राजदान टॉप तक खुल चुका है, लेकिन तरकबल से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं है। और क्या बोला, कब तक गुरेज का रोड जो है खुलेगा? 10-15 दिन के बाद जो है पूरा गुरेज का रोड जो है वो खुलने वाला है। तो उसी का इंतज़ार है कब हम पूरा गुरेज तक जा पाए। अभी जो है हम नीचे जा रहे हैं, तो हाँ थोड़ा बहुत बांडीपुरा को एक्सप्लोर करेंगे, बांडीपुरा में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं नावपुरा बांडीपुरा, और यहाँ पे हम करने वाले हैं लंच। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं हम वापस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लंच आ चुका है, फ्राइड राइस, चिकन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लंच हो गया और अभी हम निकल रहे हैं बांडीपुरा से वापस। और इस व्लॉग को भी हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फेसबुक पेज से देख रहे हो वहाँ भी फॉलो जरूर करें। बांडीपुरा चौक में एंड कर रहे हैं। बिल्कुल, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।